और केवल उत्तराखंड या असम में नहीं बल्कि गोवा में भी स्थिति कुछ ऐसी है। गोवा के फनेम टनल में पानी भरने से हजारों यात्रियों से भरी 7 एक्सप्रेस ट्रेनें अटक चुकी हैं। 7 ट्रेनों में करीब 5,000 यात्री हैं जो फंस चुके हैं। गोवा की एक टनल में पानी भर चुका है जिसके चलते 7 ट्रेनें जो हैं वो वहां फंस चुकी हैं। और इन 7 ट्रेनों में आप अनुमान लगाइए कि कितने यात्री होंगे जो इस वक्त वहां फंसे हुए हैं। जब तक टनल से पानी नहीं निकलता है तब तक स्थिति ऐसी ही अभी रहती दिखाई दे रही है। तो पनेम टनल है ये जो कि किस तरीके से पानी से लबालब हो गए, ये तस्वीर आप देख लीजिए। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें ट्रेन चलाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में 5,000 यात्री हैं जो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्हें अब किसी भी कारण में रहना होगा सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेन में। निजामुद्दीन से चली है ये, जैसा हम पढ़ पा रहे हैं एर्नाकुलम से निजामुद्दीन लिखा हुआ है, यानी कि निजामुद्दीन से चली है या वहां से वापस भी आ रही होगी एर्नाकुलम से। लेकिन टनल में क्योंकि भर गया है पानी तो 5,000 यात्रियों को अभी कुछ और घंटे इंतजार करना होगा ट्रेन में। तो जहां जहां मॉनसून ने दस्तक दे दी है वहां स्थिति ऐसी है। गुजरात भी लिए चलते हैं आपको, वहां की तस्वीर भी देख लीजिए। हर तरफ बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं, सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी हैं। कई इलाकों में लोग घरों तक पानी पहुंचाया गया है जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करना टीम के लिए भी मुश्किल है। लेकिन टीमें जुटी हुई हैं। ये हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात की है, अमरेली की देख लीजिए, द्वारिका पूरी तरीके से पानी पानी हो गया है बारिश से बेहाल। बनासकांठा की देखिए, गिर सोमनाथ में अभी भी बरसात हो रही है, राजकोट में अभी भी बरसात हो रही है और सड़कें तालाब बन चुकी हैं जहां देखिए वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। नदियों के रौद्र रूप ने सैकड़ों गांवों में लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया। बाढ़ की वजह से लोगों के घर, खेत, सड़कें, रेलवे ट्रैक तक डूब गए। पीलीभीत जिले में तो शारदा नदी का पानी उसके आसपास बसे करीब 150 गांवों में घुस गया जिसकी वजह से वहां ऐसी तबाही आई कि लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ गई। और वहां के पूरनपुर इलाके में तो वायुसेना की टीम को लोगों की मदद के लिए उतरना पड़ा। वायुसेना की बचाव टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला। पीलीभीत में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कब्जा नजर आया। वहां एक गांव में एक ही परिवार के कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव के काम में जुटे एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और उन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला पड़ोसी देश नेपाल के बिल्कुल नजदीक है। पीलीभीत जिला नेपाल के साथ करीब 54 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ऐसे में हर साल नेपाल में होने वाली बारिश और बाढ़ का प्रभाव पीलीभीत पर पड़ता है और इस साल भी बारिश और नेपाल की नदियों से छोड़े गए पानी ने पीलीभीत जिले में भयानक तबाही मचा दी। नदियों का पानी वहां सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। कई इलाकों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। पीलीभीत के गांव तो गांव, शहरी इलाकों में भी बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। वहां सरकारी विभाग के दफ्तरों और पॉश इलाकों में भी पानी भर गया और लोग कमर तक भरे पानी में चलने को मजबूर दिखाई दिए। पीलीभीत के शहरी इलाके में सड़कों पर कई जगह 3 फीट तक पानी भरा नजर आया। कुछ कॉलोनियों में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में घर के अंदर रखी कुर्सियां, वॉशिंग मशीन, बेड और अलमारियां पानी में डूबी दिखाई दी। खाने पीने और घर के दूसरे जरूरी सामान को लोग बेड के ऊपर रखकर भीगने से बचाते दिखाई दिए। घर के बाहर खड़ी कार का पहिया भी पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। मोहल्ले के ज्यादातर घरों के हालात करीब करीब ऐसे ही नजर आए। पीलीभीत में टनकपुर हाईवे पर डीएम ऑफिस और ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने भी पानी भरा दिखाई दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्यालय जाने वाला रास्ता भी पानी में डूबा नजर आया। शहर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का पानी भरा होने की वजह से बिजली सप्लाई भी रोक दी गई। हालांकि बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच राहत और बचाव में जुटी टीमें दिन रात लोगों को बचाने में जुटी दिखाई दी।